तो अजीज तलबा और तालिबात, अक्सर देखा जाता है कि कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि पढ़ाई में मन कैसे लगाए, पढ़ाई में कामयाबी कैसे हासिल करे, पढ़ाई मैं करता हूँ लेकिन याद नहीं होता, तो दूसरे तालिबे इल्मों का परसेंटेज हमसे ज़्यादा कैसे बना। तो कुछ तालिबे इल्म फर्स्ट डिवीज़न में आए, हम क्यों नहीं आए। तो ऐसे बहुत सारे सवालात हमारे जहन में आते हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि दुनिया भर में तालिबे इल्मों पर तालीम का दबाव हमेशा से रहा है, लेकिन कई बार किताब खोलने के बावजूद उनके लिए पढ़ाई पर तवज्जो को बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। पढ़ाई में दिल लगाने के लिए बेहतरीन नुस्खों पर अमल करना ज़रूरी होता है। अगर आप पढ़ाई में सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आज आप हमारे मशवरों पर अमल कीजिए। नंबर एक, पढ़ने की जगह। तो नंबर एक है पढ़ने की जगह। तो आप जहां पढ़ाई करते हैं तो वो जगह शोर आवाजों और आने जाने वालों से महफूज हो। पढ़ने की जगह मेज पर, जिनकी मेज है, मेज पर गैर जरूरी चीज ना रखें। जिन चीजों की जरूरत पड़ती है जैसे कलम, रोशनाई, किताब, कॉपी, रबर, स्केल वगैरह वगैरह, ये मेज पर पहले से ही मौजूद रखें ताकि बार बार उठकर जाना ना पड़े और मुकर्ररा वक्त पर रोज पढ़िए। दूसरा नुकात है पढ़ाई के दौरान खड़े हो जाना, क्योंकि कुछ देर बैठने के बाद हमारा जिस्म सुस्ती का शिकार होने लगता है, जिसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। तो इसलिए कम से कम 5 मिनट का वक्फा जरूर लें। नंबर तीन, जिम्मेदारी। अक्सर देखा जाता है कि तालिबे इल्म बाकी सारे काम तो जिम्मेदारी के साथ हल करते हैं, लेकिन तालीम के मामले में ऐसा नहीं करते। बाकी कामों की तरह तालीम को भी एक जिम्मेदारी समझकर करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी काबिलियत में बेहतरी आएगी। नंबर चार, गिजायत से भरी खुराक। अक्सर देखा गया है कि तहकीक करने वालों के मुताबिक सेहतमंद दिमाग के लिए विटामिन और मादनियात बहुत जरूरी है, और साथ ही पानी पीना भी बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर पांच, फास्ट फूड से दूर रहें। आजकल नौजवानों की पसंदीदा गिजा फास्ट फूड बन चुकी है, जिसकी अच्छी खासी मिकदार खाने के बाद वो कोल्ड ड्रिंक भी जरूर पीते हैं, जिनसे पेट तो भर जाता है लेकिन दिमाग और जिस्म के लिए जरूरी गिजाइये नहीं मिलती। इसलिए फास्ट फूड से हमको दूर रहना चाहिए। नंबर छः, पढ़ाई के दौरान वक्फा। लेकिन पढ़ाई के दौरान वक्फा बहुत जरूरी है, लेकिन इस वक्फे के दौरान सोशल मीडिया पर अपना वक्त खर्च करने के बजाय दोस्तों के साथ मिलकर गपशप करना या टहलने चले जाना अच्छी और सेहत बख्श मसरूफियात है। इससे ना सिर्फ बल्कि ऐसी सरगर्मियों के बाद पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ जाती है। नंबर सात, वर्जिश। जी हाँ, साइंसदानों के मुताबिक वर्जिश भी दिमाग को हल्का फुल्का करने में मदद देती है। कहते हैं कि 10 मिनट से ज्यादा जिस्मानी मुशक्कत करने पर कई ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो फैसला साजी के अमल में मदद देते हैं। नंबर आठ, रोशनी। जहाँ आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में रोशनी की खास अहमियत होती है। बहुत धीमी और बहुत तेज रोशनी आंखों पर खराब असर डालती है और जल्द थकान हो जाती है, तो लिहाजा मुनासिब रोशनी होनी चाहिए। तो इन हमारे बताए हुए 8 नुकात पर आप अमल कीजिए।